देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं खबरों की। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य कारखाने का परिसर में बन रहे सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जल जमाव की समस्या को लेकर वृद्ध पैमाने पर समय रहते नालों को साफ करा देना चाहिए, जिसको लेकर विशेष अभियान चलाया जाए जिससे जनपद वासियों को जल जमाव की समस्या से निजात मिल सके। वहीं अवैध रूप से अतिक्रमण को भी नष्ट कर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे, जहां पर वो उन्होंने तमाम जो योजनाएं उनका निरीक्षण किया, जल जमाव की बात कही, अधिकारियों को निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए। वही गोरखपुर में एटीएस की विशेष न्यायालय में आरोपी मुर्तजा अब्बासी को प्रेषित करने का आदेश दिया गया है। बता दें इसके साथ ही मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। तो मुर्तजा अब्बासी को प्रेषित करने का आदेश दिया गया, इसी के साथ ही मुर्तजा अब्बासी को करीब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है वो भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से। मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया था एसीजेएम फर्स्ट के न्यायालय में, और साथ ही साथ यूएपी एक्ट उन्होंने बढ़ाने का अनुरोध किया था, इसमें भी रिमांड बढ़ाया जाए। न्यायालय ने अपने आप को सक्षम पाते हुए यूएपी एक्ट में भी रिमांड बना दिया है, और साथ ही साथ अभियुक्त को एटीएस आबली केनाई एक्ट जो स्पेशल कोर्ट है उसको इन्होंने प्रेषित कर दिया अभियुक्त को कि वहाँ पेश किया जाए। अब आज तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे अनुसार में ले जाएंगे, वहां से फिर लखनऊ ले जाएंगे। का आदेश और उसके साथ ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुर्तजा अब्बासी को भेज दिया गया है। अगर मुर्तजा अब्बासी की बात करें तो गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर हम किसी को याद है किस तरीके से मुर्तजा अब्बासी गोरखनाथ मंदिर में घुसा था, और ऐसे में अब लगातार एक के बाद एक नए खुलासे भी इसको लेकर हो रहे हैं। कभी कहा जाता है कि आतंकी संगठन के साथ इसका ताल्लुक है, तो कभी बहुत सारी जो आतंकी हमले हैं उसको लेकर भी बात की जाती है, मुर्तजा अब्बासी का नाम सामने आता है। और ऐसे में आज मुर्तजा अब्बासी को प्रेषित करने का आदेश दिया गया, उसके साथ ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुर्तजा अब्बासी को भेज दिया गया है। तो गोरखपुर से ये बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मुर्तजा अब्बासी को प्रेषित करने का आदेश दिया गया है। अब क्या किया जाए? बैठे रहो, ऐसा भाग रहे हैं कुछ खत्म हो गया।